बंदी सिंह बंदी सिंह बंदी सिंह क्योंकि जो जंग के मैदान चुने वो पहली शर्त होंगी है भरावो भी असी उत्थे सीस लगते हैं तो साढ़े योध्या ने सीस दिते अज कट्ठे होए आप बंदी सिंह वास्ते उन्होंने भी आपका तन मन धन सिखी लेखे लाया कौम लेखे लाया सरकार जालम सरकार बंदी सिंह बंदी सिंह की अपना पिंडा वालियां दा फर्ज नहीं अपना शहर वालियां दा फर्ज नहीं अपना पूरे पंजाबियां दा मैं तां पूरे भारत वासियां दा फर्ज है जिथे जिथे भी कोई गुरु नानक दे घर नूं मनण वाला है किरत करो नाम जपो तो वंड छको तो पहरा देन वाला है जो दसवें पिता दीआं कुरबानियां नूं मंनदा है ते उन्हूं अपना फर्ज समझ के उत्थे जाना चाहिए वीरे बथेरे होर मुद्दियां ते भी आपां इकट्ठे हो जांदे आ बथेरे मसलियां ते कि ये मसला अपना कौम दा नहीं ये मसला पंजाबियां दा नहीं ये मसला पूरे सिखां दा नहीं मैं तां बेनती कर सकदा भी पूरे विश्व दे सिख क्यों नहीं उस मोर्चे नूं दिल्ली दी तर्ज ते बणाउंदे जे तुसी डटे रहे तुसी मोर्चा तन मन धन लड़ लिया ते दिवाली अपने बंदी सिंह भरावो अपने विच मनाउणगे सत श्री अकाल यह गल कोई छोटी नहीं जिहड़ी मैं कही जांदा पहला वाले मोर्चे च भी असीं बेनती कर दिंदे वी 12वें महीने च मोदी नूं लताड़ के आ जांगे ये असी कोई तत्थां दे आधार ते गल करदे हैं कोई तत्थां दे आधार ते करदे हैं साडा इतिहास दसदा ये गल्लां सानूं कौन नहीं रहे जिन्हां दे राज च सूरज नहीं छिपदा सी जलम नहीं रहिंदा हुंदा कदे भी रंगा नहीं रहा रंगे दे वारस नहीं रहे अंग्रेज नहीं रहे अंग्रेज नहीं अंग्रेजां दे वारस नहीं रहे ये भी नहीं जलम रहने रहना गुरु नानक दा घर वसदा सी वसदा है ते वसदा रहूगा साढ़े जिहड़े बंदी सिंह सी उन्हां दी कोई निजी लड़ाई थोड़ा है वह कोई निजी दुश्मन गए नभाउंदे थोड़ा बैठे है जेलां च उन्होंने साह मंगिया 84 दिन साह पिछे कि असी यार साढ़े मारे आ नसल कुशी होई साड़ी असी इंसाफ नहीं मंग सकते साढ़े घरां चों चक चक मुकाबले बनाते कि वह जायज़ सी कोई खेत गया नहीं मुड़िया किसी का बच्चा पढ़न गया नहीं मुड़िया कोई बासा चो ला के मारता कोई कितने कतलो गार्द हो ही साड़ी कौम दी यार बंदी सिंह बंदी सिंह बंदी सिंह जालम सरकार जालम सरकार जालम सरकार बंदी सिंह बंदी सिंह कौमी इंसान मोर्चा कौमी इंसान मोर्चा लोगों ने मोर्चा जितया सी किसी ने उत्थे दुध की सेवा की किसी ने लंगर दी कोई बीबिया ने कोई नौजवान भरावां ने पानी पाया निहंग सिंह जथेबंदकां ने भी कुल दुनिया ने पंजाबी मोहरी सी नाल हरियाणा राजस्थान ते पूरी किरती जमात ने वह लड़ाई लड़ी ते आपां उहदे च बई जी जित प्राप्त करी इस तरह ही क्योंकि आपां उस लड़ाई नूं आपदी अणख समझ लिया सी आपदी मुछ दा वाल समझ लिया सी भी असी हर हालत च लड़ाई जितनी आ ते उस लड़ाई च भी साडा 700-800 परिवार किसान मजदूर शहीद होया क्योंकि जो जंग के मैदान चुने वो पहली शर्त होंगी है भरावो भी असी उत्थे सीस लगते हैं तो साढ़े योध्या ने सीस दिते धन माल लगता और धन माल लाया हर चीज़ जो एक जंग च लगती है वह लाई अपने पंजाबियों ने मोहरी भूमिका निभाई इस तरह ही जो साढ़े अज मसला अज कट्ठे होए आप बंदी सिंह वास्ते उन्होंने भी आपका तन मन धन सिखी लेखे लाया कौम लेखे लाया अज कौम जागी है बंदी सिंह की रिहाई लई बापू सूरत सिंह लंबे समय तो बैठे है बहुत सारे होर भी जथेबंदियां उत्थे सहयोग कर रही हैं कि अपना पिंडा वालियां दा फर्ज नहीं अपना शहर वालियां दा फर्ज नहीं अपना पूरे पंजाबियों का मैं तां पूरे भारत वासियों का फर्ज है जिथे जिथे भी कोई गुरु नानक दे घर नूं मनण वाला है किरत करो नाम जपो तो वंड छको तो पहरा देन वाला है
जो दसवें पिता दीआं कुरबानियां नूं मंनदा है ते उहनूं अपना फर्ज समझ के उत्थे जाणा चाहीदा वीरे। डेढ़ महीना हजे अपनी फसल आउण च पिआ, बथेरे होर मुद्दिआं ते वी आपां इकट्ठे हो जांदे आ बथेरे मसलिआं ते, कि इह मसला अपना कौम दा नहीं, इह मसला पंजाबीआं दा नहीं, इह मसला पूरे सिखां दा नहीं। मैं तां बेनती कर सकदा भी पूरे विश्व के सिख क्यों नहीं उस मोर्चे नूं दिल्ली की तर्ज ते बनाउंदे, क्यों नहीं उन्हों विशाल रूप दिंदे। ते मैं वाहिगुरु की कृपा नाल वाहिगुरु की मूहरे बेनती भी करदा ते वाहिगुरु नूं हाजर नाजर माण के अज तुहानूं सारे भरावां नूं दस दिंदा मीडिया राहीं भी दिवाली बंदी सिंह जे तुसीं डटे रहे, तुसीं मोर्चा तन मन धन नाल लड़ लिया ते दिवाली अपने बंदी सिंह भरावो अपने विच मनाउणगे। सत श्री अकाल। यह गल कोई छोटी नहीं जिहड़ी मैं कही जांदा, पहलां वाले मोर्चे च भी असीं बेनती कर दिंदे वी 12वें महीने च मोदी नूं लताड़ के आ जांगे। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਇਕੱਲਾ ਮੰਨ ਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ 'ਤੇ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਖੰਨੇ ਖੰਨੇ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪੀਸਣੇ ਪੀਸੇ ਸਵਾ ਸਵਾ ਮਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਛਿਪਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰੰਗੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਰਹਿਣੇ। ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਵੱਸਦਾ ਸੀ, ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਸਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੰਜ ਤਾਂ ਯਾਰ ਨਿੱਜੀ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਜੀਅ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਆ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 100-50 ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ 50-60 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, 30 ਆ 50 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੜੀ ਚੱਲ ਪਈ ਆਪਾਂ ਜਾਗ ਭੇਡੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਗਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਿਸਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਮੰਗਿਆ 84 ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਿੱਛੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਰੋਹ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਤੇ, ਕੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ? ਕੋਈ ਖੇਤ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਦ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਯਾਰ? ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਬਥੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਟਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਿਆਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ 100 ਪੈਸੇ।
इनियां मेरिया बेनतियां सर श्री अकाल डट जो मोर्चे च जिन्ने योग है। देखो कोई दो दिन ला सकता दो दिन लाओ, कोई दस दिन ला सकता दस दिन, जिहड़ा भी ट्राला वाल जा सकता ट्राला वाल जाओ, अपना फर्ज बनता है। ठीक है होणगे मतभेद किसी प्रकार के विचार के, जे परिवार के जी होंगे उन्होंने भी मतभेद होंगे है यार, पर मतभेद पढ़ा दो एक झंडे थले कट्ठे हो जाओ। आपां तां यार गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अपना पिता है, वह अपना पैरोकार है, वह तो सीध लैके चलना, बस इन्ना की है। डट जाओ मेरे भरावो, शांति बना के रखियो, मोर्चा फतेह ही है समझ लो। जदों घरां चों निकल पे मावां छीणी मावां दे पुत ते सरकारां सरकूरां नहीं खड़दियां हुंदियां, इन्हां दे सप्प दे मूँह च कोड किरली वाली हालत होई पई है मोर्चे करके। ये छोटा मोर्चा नहीं गा, पूरे दुनिया की अख है, पूरे वर्ल्ड की अख है इस मोर्चे ते। सिख कम्यूनिटी दुनिया मानती आ, सिखां दे सिधांतां दुनिया मानती आ। और मैं एक मिनट बेनती होर कर लां भी जो साडियां जथेबंदियां सारियां सत्कारयोग है, कोई मार्क्सवाद नूं मानदा, कोई किसी का सिधांत कोई हो सकता है, पर सारियां दा सिधांत आ मनुख दी मनुख दे हत्थों लुट किवें खत्म करिए, तशद्दुद किवें जुल्म किवें खत्म करिए। बस असीं तां इह आणे आ जे सिधांत गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तों उत्ते कोई सिधांत नहीं, सिक्खी फलसफे नाल कोई वड्डा फलसफा नहीं। जे तुसीं इह ते चलोंगे दोस्तो आउण वाले साडे नौजवान वीर ते दुनिया की कोई भी ताकत थोनू हरा नहीं सकती, हर मोर्चा तुसीं फतेह करोगे। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह।